आगे की तरफ चलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स। ओके, हम जानते हैं द इंट्रेंसिक इक्वेशन of common catenary क्या होती है भाई? common catenary की intrinsic equation s बराबर मेरे पास होता है c into tan psi। okay, basic formula है, मैं जिसका use करूँगा। again we know that tan psi कितना होता है भाई? tan psi बराबर होता है dy by dx। okay, मैंने so that putting the value of tan psi, मेरे पास s कितना निकला? s बराबर हुआ c इंटू tan psi की वैल्यू डाली मैंने dy by dx। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। अगेन वी नो दैट, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन वन। अगेन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई? एक फार्मूला और भी होता है मेरे पास, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कितनी होती है? ये होता है मेरे पास y इज इक्वल टू होता है c इंटू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c। लास्ट लेक्चर के अंदर ये फार्मूला मैं ड्राइव कर चुका था। ओके, मैंने क्या किया, मैंने यही रिजल्ट उठाया y इज इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना निकला मेरे पास भाई? मेरे पास यहाँ से निकला dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सी तो कॉन्स्टेंट है, d ओवर dx एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। मेरे पास फार्मूला होता है d ओवर dx एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। डायरेक्ट मैं इसका यूज़ करूँगा। कितना निकल गया मेरे पास? मेरे पास निकला dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और जिसको x मान रखा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन x अपॉन सी। क्लियर है ना? आगे चलता हूँ। मेरे पास कितना निकला यहाँ से भाई? dy वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकली वो ये निकली dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी गुणा एक्स अपॉन सी का डिफरेंशिएशन वन अपॉन सी कैंसिल आउट। कितना आया भाई? dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ओके, मैं कह रहा हूँ dy वाई बाई डी एक्स का मान इक्वेशन वन में पुट करने पर, पहले इक्वेशन वन लिख रहा हूँ, मेरे पास कितनी निकली हुई है? s इज इक्वल टू है c इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरी इक्वेशन वन है। ओके, ये वाली वैल्यू मैं कह रहा हूँ dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू
इक्वेशन वन में पुट करने पर मेरे पास s कितना निकला, s बराबर c इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। ओके, ये मेरा रिजल्ट आ चुका, क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ, s इज इक्वल टू कितना निकला, c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। ओके, जो कि s एंड x में रिलेशन है। ओके, पहला रिजल्ट क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं।